बुद्धावन सीरीज में जो हमारी सीरीज चल रही है, जो हम भगवान बुद्ध के बारे में प्रारंभिक प्राइमरी जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसमें बुद्धावन में हमने बताया था बुद्धवन सीरीज में कि बुद्ध का जो जन्म है वो किस प्रकार हुआ। 563 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा के जन्म से 563 साल पहले, और आज अगर हम 2018 को ख़त्म मान लें तो लगभग आज से 2581 साल पहले ये जन्म माना गया है, जो खुले में एक जंगल में लुम्बिनी में हुआ था। और इसके बारे में हमने पूरी जानकारी आपको दी थी, आप जो पुरानी सीरीज है हमारी वो देख सकते हैं। इससे आगे की जानकारी है जो बड़े कमाल की है कि जैसा कि एक सीरीज में हमने बताया है कि भगवान का, भगवान का, भगवान का अर्थ क्या होता है वो आप देख लेंगे तो आपको पता चलेगा, उसी संबंधित है कि भगवान बुद्ध का जब जन्म होता है, यानी सिद्धार्थ का जब जन्म होता है, तो सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन उनकी माता का देहांत हो जाता है, क्योंकि कई बार रक्त का स्राव ज़्यादा होता है, बीमारी ज़्यादा होती है, स्वस्थ नहीं हो पाते, इन्फेक्शन हो जाते हैं। बहुत सारी हमारी माताएं पूरे विश्व में जो फीमेल हैं वो डेथ, आफ्टर बर्थ डेथ उनकी हो जाती है, पहले ये रेट बहुत ज़्यादा था। तो इससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो सिद्धार्थ जो पैदा हुए हैं वो एक साधारण बच्चे हैं, साधारण मनुष्य हैं, कोई चमत्कारिक अवतारिक नहीं है, कोई स्पेशल पावर वाले व्यक्ति यानी बच्चे पैदा नहीं हुए हैं। क्योंकि अगर वो स्पेशल पावर वाले बच्चे पैदा होते, कोई चमत्कार वाले बच्चे पैदा होते, तो उनकी माँ का देहांत नहीं होता, वो चमत्कार से अपनी माँ को बचा लेते। जैसा कि आपने बहुत सारी जो पुरानी स्टोरीज़ हैं, जो बेसलेस स्टोरीज़ हैं, जिनमें ना टाइम होता है, ना प्लेस होता है, ना उनके आगे पीछे का पता होता है, ना उनके अवशेष मिलते हैं, ना उनकी कोई चीज़ ऐसी मिलती है जो आपको आर्कियोलॉजी में काम आए, ना ही वो चैन वाइज होते हैं, यानी सीरीज में जुड़ते भी नहीं है, ना उनके पिछले खानदान का पता है, ना उनके आगे के खानदान का पता है, बस एक स्टोरी होती है। ऐसी स्टोरियों में पूरे विश्व भर में बहुत सारे करेक्टर ऐसे हैं जो चमत्कारिक बताए जाते हैं और वो किसी ने देखे नहीं, मगर वो चमत्कारी करेक्टर भी डेथ को प्राप्त हुए हैं। मतलब वो अगर काल्पनिक करेक्टर भी हैं, चमत्कारी करेक्टर भी हैं, तो भी डेथ उनकी हुई है। कोई ऐसा नहीं है कोई चमत्कारी करेक्टर हमेशा के लिए जीवित रहा हो। तो ये बात तय है जो भगवान ने बताई थी कि जो मृत्यु है वो आर्य सत्य है। तो वहाँ से आगे हम जब बढ़ेंगे तो लगभग 9वें साल में, क्योंकि पिछले सीरीज में मैंने 8 साल तक का बताया था आपको, 9वें साल में फिर वप मंगल उत्सव आता है। वप मंगल उत्सव धान के बोने का समय, और जिसमें सारे के सारे जितने भी लोग हैं गांव के, यानी उस जगह के जहाँ वो सिद्धार्थ रहते हैं, सुधोधन रहते हैं, यशोधरा रहती हैं, वहाँ जितने भी लोग हैं यानी कोलियों में और साक्यों में, सब वहाँ उसको मनाते हैं। और वो हर बच्चे को, हर आदमी को आना होता है। 9 साल की उम्र में एक खास चीज़ जो वहाँ देखने को मिली वो ये मिली कि जम्बू का वृक्ष, यानी जम्बू रख, जम्बू का जो वृक्ष है, पेड़ है, जम्बू माने जामुन, इसको जम्बू द्वीप भी बोलते हैं भारत को, क्योंकि यहाँ जामुन के जो पेड़ हैं बहुत पाए जाते हैं। तो जम्बू द्वीप में जम्बू पेड़ के नीचे सिद्धार्थ बैठ जाते हैं 9 साल की आयु में, और बैठ के कमर सीधी करके और ध्यान अवस्था में जाते हैं, और ध्यान अवस्था में बैठते ही वो ध्यान को प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। ये उनके जीवन का पहला ध्यान बताया जाता है जो साहित्य के अंदर दर्शाता है। तो ध्यान लगाने की जो उनकी 9वीं अवस्था है, 9 साल में है, ये नेचुरल है। क्यों है कि कुछ जो मनुष्य हैं वो पैदा ही इस तरह से होते हैं कि उनमें ध्यान को प्राप्त करने की एबिलिटी पहले से ही डेवलप होती है, और ये बात के साहित्य में बताया गया है, और ये करके भी बताया गया है, क्योंकि कुछ लोग तुरंत बैठते ही ध्यान लगा लेते हैं, और कुछ लोगों का ध्यान 10-10 सिटिंग भी हो जाती है तब भी उनका लग नहीं पाता है, बहुत चंचल मन होता है उनका। तो ध्यान की अवस्था, उन्होंने पहला ध्यान जो प्राप्त किया, जो उसका उन्होंने रसास्वाद किया, जो उसको सीखा, जो उसका उन्होंने अनुभव किया, वो लगभग 9 साल की अवस्था में किया, और 9 साल से लेके और लगभग 16 साल तक, यानी कि लगभग 6-7 साल तक वो अपना रोज़मर्रा का काम, जो उनकी शिक्षा थी, जो अनुभव थी, वो हासिल करते रहे, और धीरे धीरे वो तरुण हो गए, बड़े हो गए। 16वें साल में उनकी शादी होती है कोलियों के अंदर, यानी जो रोहिणी रिवर है, रोहिणी नदी है, जो उनके दोनों के बीच में है, साक्य वंश के लोगों में और रोहिणी वंश के लोगों में, यानी जो कोलिय वंश के लोग हैं उनके बीच में जो रोहिणी रिवर है, उस कोलिय वंश से एक व्यक्ति होते हैं जिनकी जो बेटी है बहुत सुंदर, सुशील और यश वाली होती है। यश वाली मतलब अपने काम में बहुत निपुण, और उसकी जो प्रशंसा है वो सब लोग उसको करते हैं। तो वहाँ से उनकी
शादी होती है और दंडपाणी उनके पिता का नाम बताया जाता है। तो 16 वर्ष, तो एक बात आप यहाँ नोट कीजिए कि शाक्य वंश में और कोलीय वंश में आपस में रिश्ते हो रहे हैं, शाक्य वंश में और कोलीय वंश में, यानी कोलियों में और शाक्यों में रिश्ते हो रहे हैं। और वहाँ जो उनका सबसे बड़ा राज्य का जो सबसे बड़ा व्यक्ति है शुद्धोधन, उसके बेटे के साथ हो रहे हैं, और दंडपाणी जो बताए जाते हैं उनकी बेटी के साथ हो रहे हैं। तो रिश्ते पहले आपस में हुआ करते थे, यानी बुद्ध के समय में आपस में इंटर कास्ट मैरिज, यानी कि इंटर रिलेटेड मैरिज, कास्ट तो तब थी नहीं, आज के हिसाब से हम बोलेंगे तो इंटर कास्ट हो गई, और तब के हिसाब से बोलेंगे तो इंटर स्टेट हो गई या इंटर कबीला हो गई या इंटर क्या बोलते हैं राज्य हो गई या इंटर विलेज हो गई, ऐसी शादियाँ होती थी। और वंश जो 16 महाजनपद बताते हैं उनमें भी आपस में शादियाँ होती थी, ये बात वहाँ से प्रूव होती है और ये अच्छी बात है। 16वीं जब 16 साल की उम्र में उनकी शादी हो जाती है तो वो अपने शादीशुदा जीवन में रमना शुरू कर देते हैं। बहुत समय बाद जाके एक उनके पुत्र होता है जिसको राहुल नाम दिया जाता है। राहुल का मतलब पाली में होता है बंधन, बताया जाता है कि बंधन है, क्योंकि सिद्धार्थ वैरागी किस्म के मनुष्य थे। वैराग का मतलब है कि चिंतन ज़्यादा करते थे, सोचते थे, ध्यान ज़्यादा लगाते थे, ध्यान की परंपरा उनमें बढ़ती जा रही थी। तो राजा शुद्धोधन को, यानी राजा तो वो नहीं थे मगर जो वहाँ के कबीले के सबसे बड़े व्यक्ति थे, उनको ये चिंता होने लगी कि मेरा बेटा हाथ से ना निकल जाए, यानी मेरा बेटा अगर इसने कहीं चला गया ये, या ये इसने संन्यास ले लिया तो शादी भी हो गई है, बच्चा भी है, और ये इतनी सारी जो खेत हैं जो मैंने बनाए हैं इतनी मेहनत से, वो खेत भी कौन संभालेगा, ऐसा सोच के। और वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि ये सुखी जीवन व्यतीत करे, और उनके हिसाब से जो सुखी जीवन की परिभाषा थी वो ये थी कि आराम से बैठ के खाए पिए और मौज करे, जैसा कि आम अमूमन सारे माँ बाप अपने बच्चों के बारे में आज भी सोचते हैं, ऐसा ही शुद्धोधन ने सोचा। इससे पहले एक घटना बड़े कमाल की हुई कि उनका एक ममेरा भाई था देवदत्त। ममेरे भाई को पक्षियों को पकड़ने का बड़ा शौक था और उसने एक पक्षी को गुलेल से या तीर से, जैसे भी उस समय व्यवस्था थी, वो मारा और पक्षी नीचे गिर गया। जहाँ वो गिरा वहाँ पे सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ ने उस पक्षी को उठाया, पानी पिलाया और उसकी थोड़ा प्यार किया, मरहम पट्टी की, और वो ठीक हो गया। तो देवदत्त ने कहा कि पक्षी मैंने पकड़ा है, मैंने सुगराया है, इसलिए मेरा है। और ये वाद विवाद हो गया और सिद्धार्थ ने कहा कि भाई ये घायल है और तुम इसका क्या करोगे, इसको मार दोगे, इसे छोड़ो, रह जाने दो, जाने दो। जो बच्चों में आपस में वाद विवाद होता है ये होने लगा, तो घर के बड़े बीच में आ गए, घर के बड़े समझदार थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पक्षी जिसके पास रहना चाहे उसके पास रह ले। तो पक्षी ने सिद्धार्थ को चुना, और जब पक्षी ने सिद्धार्थ को चुना, सिद्धार्थ के पास आया, तब पहली बार पूरी दुनिया को कहें या सिद्धार्थ को कहें या शुद्धोधन कहें, इस बात का पता चला कि हिंसा और हत्या और अत्याचार से बड़ा करुणा, मैत्री और भाईचारे का नियम होता है। यानी कि एक ऐसा पक्षी जिसकी चेतना बहुत कम है, वो भी इस बात को जानता है कि करुणा, मैत्री और प्यार क्या होता है। इसलिए ये बात उसी समय पुख्ता हो गई कि दुनिया को, मन को, मनुष्य को, या इस पृथ्वी को अगर अच्छी तरह से रखना है तो करुणा, मैत्री, भाईचारा, बंधुत्व चाहिए। ये पहला लेसन वहाँ पूरी दुनिया के लिए बताया जाता है, और ये बहुत कमाल का लेसन है, जहाँ हिंसा के ऊपर अहिंसा की जय हुई। और इस हिंसा और अहिंसा के सिद्धांत को बाद में वहीं से सीखा जो हमारे यहाँ मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं उन्होंने, और इसको आगे बढ़ाया। कमाल की बात है कि ये हिंसा और अहिंसा का सारा नियम बुद्ध के पहले लेसन से आता है। तो ऐसा करते करते शुद्धोधन को थोड़ा संशय हुआ, और शुद्धोधन ने क्या किया कि उन्होंने अपना जो उनका सहयोगी था उदाई से कहा कि आप एक काम करो कि सिद्धार्थ के चारों तरफ ऐसा व्यवस्था कर दो कि ये वैराग्य या कोई चीज़ इनको छुए ना, और ये हमेशा विलासतापूर्ण जीवन में रहें, खाने पीने की अधिकता हो, जो इनके नाचने गाने का प्रबंध बढ़िया हो रहे, इनको गीत संगीत सुनाई देता रहे, इनको कविता पाठ वगैरह होता रहे, खेल क्रीड़ा में इनका मन लगा रहे, इनके महल को हमेशा साफ रखो जहाँ उनका घर था, और एक दो घर इनके लिए और भी बनवा दो, और भी अगर इनको इच्छा हो तो वो दे दो, क्योंकि वो संपन्न थे। कहते हैं कि उनके पास में इतने खेत थे कि इनके साथ 1000 हल चला करते थे, तो अच्छे खेत वाले लोग थे, अच्छा उनके पास में वर्चस्व था। मगर जैसे जैसे राजा शुद्धोधन ने प्रयास किया उदाई के थ्रू और खुद भी, वैसे वैसे सिद्धार्थ और ज़्यादा वैराग में जाते रहे, और उनका जीवन को देखने का दृष्टिकोण पूरी तरह से भिन्न हो गया, और ये सांसारिक वस्तुएं उनको ज़्यादा अपनी तरफ नहीं खींच पाईं। और समय धीरे धीरे बढ़ता रहा, 16 से वो 20 के हो गए, 20 से वो 25 के हो गए, 25 से वो 27-28 के होते 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 आगे का हम
जो बुद्ध का पीरियड नंबर जो सीरियल नंबर 3 है उसमें बताएंगे कि कैसे उदाई ने प्रयास किया, कैसे वार्तालाप हुआ उदाई से सिद्धार्थ का, और कैसे सिद्धार्थ ने उस समय उनको जवाब दिए। धन्यवाद।